हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। बहुत जल्द से मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ा हड़बड़ी में, वो भी क्योंकि देखो रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग डाला था ईद का। उस वीडियो में आप लोग देखना, मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ भी ऐसा वैसा वीडियोस डाला जिससे अदर पर्सन को तकलीफ़ होगा, चाहे वो हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे। उसमें ओनली फॉर हमने प्यार दिखाया है। मैं अपने पापा के लिए रोई और ऑफकोर्स रोऊंगी यार, मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, ऑफकोर्स रोऊंगी, उनको याद आएगी। हो सकता है जिनको जिन्हें ये चीज़ प्रॉब्लम हुआ, जिन्होंने इतने जल्दी से मुझे कमेंट मेरे पापा के लिए किया, मुझे लगता है वो इंसान के घर में अगर कोई शख्स मरा होगा या नहीं होगा इस दुनिया में, उसके एक आंसू भी नहीं बहे होंगे शायद, इसलिए उसने बिना सोचे समझे मुझे कमेंट कर दिया। ठीक है, तो मैं उस इंसान को यही बोलना चाहूँगी, किसी का माँ बाप नहीं बदलता, किसी का पति पत्नी का रिश्ता ख़राब नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, आप चाहे कितना भी कर लो। ठीक है, जो रिश्ता है वो है, ऊपर से बन के आया है, मैं हमेशा बोल के आई हूँ। और चाहे मैंने बनाया या हमारा बना, हम खुश हैं अपनी लाइफ में, हमें खुश रहने दो। ठीक है, आप मुझे हिदायत देते हो कि हिदायत 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 करके कमेंट करते हो, मैं मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आपको उनको हिदायत देनी चाहिए जो दो शादी कर रहे हैं। ठीक है, जब एक मुझ में तो कम से कम जिससे प्यार किया उसके साथ निभाया, मुझे नहीं लगता इसमें मैंने कोई गुनाह किया। बस एक कास्ट ही अलग है ना यार, मेरे पति कितने सपोर्ट का, आप लोगों तो खुश होना चाहिए कि इतना अच्छा उसको लड़का हिंदू होके भी इतने अच्छे से उसकी ईद में मतलब खुशी से मनाया, अपनी वाइफ का पूरा हमारे ईद को मान दिया, सम्मान दिया। आपको तो एटलीस्ट खुश होना चाहिए जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप वो चीज़ नहीं कर सकते इसलिए आपकी जली है। ठीक है, इसलिए आप लोग को जलती है कि भाई हम तो नहीं कर पाते, ये लोग कैसे कर पाते हैं। तो मैं ना देखो ये सब चीज़ में वीडियो कभी बनाने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग भी नहीं करती, और मैं जिस फैमिली में आई हूँ शादी के बाद उस घर में भी कभी ये सब चीज़ें नहीं होती है ना। मेरे जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, जहाँ मैं गई हूँ शादी के बाद वहाँ पर भी नहीं हुआ है। शायद इस वजह से मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक दूसरे को समझते, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्या जली है क्या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो हिदायत देना है तो मुझे नहीं लगता आपको मुझे देनी चाहिए, आप उनको दो। जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो हिंदू है लेकिन उनको अगर दूसरी शादी करना है, क्योंकि हिंदू धर्म में दूसरी शादी अलाउ नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, तो वो मुस्लिम बनते हैं। ठीक है, और उनको अलाउ किया जाता है दूसरी शादी करने के लिए, जिसको आप लोग ने ऐसे ऐसे चैनल है जो दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम का धर्म अपनाया, हालांकि वो फॉलो नहीं कर रहे, ओनली फॉर मुस्लिम का धर्म अपनाया है बस दूसरी शादी करने के लिए, और उसकी शादी भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो। क्या कन्वर्ट हुए, वो क्या मान रहा है क्या? नहीं, लेकिन आपको बस वो चीज़ दिखाना है, उनकी शादी करा दी है आपने, तो सबसे गंदी चीज़ें किया। क्योंकि वो इंसान सिर्फ मुस्लिम धर्म में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको किसी और के साथ शादी करना, मतलब सोचो हमारे हमारे तरफ से ये कितने गलत मैसेज जा रहा है मुस्लिम के लिए कि मुस्लिम लोग में मतलब ऐसे कर सकते हो आप। फिर उसके बाद वो इंसान फॉलो भी नहीं करता है, सिर्फ ओनली फॉर उनको शादी करना है। कितने एक्टर लोग ने ऐसे किए हैं, कितने यूट्यूबर ने किए जिसको आप लोगों ने मिलियन तक पहुँचा दिया, सिर्फ ये सोच के क्या, ये तो इन्होंने तो नाम चेंज कर लिया ना, हमारा टाइटल लगा लिया ना, ऐसे नहीं होता है भाई। आप उनको हिदायत दो, आप उस मुझे लगता है उस मौलवी को हिदायत देनी चाहिए सबसे पहले तो, कि जिसने ये दूसरी शादी कराते हैं, सिर्फ मुस्लिम बन के दूसरी शादी आप करा देते हो एक हिंदू को, क्योंकि उसको दूसरी बीवी लानी है। ठीक है, आप उनको हिदायत दो, जो 10 शादी करते हो उनको हिदायत दो। मुझे लगता है जो अपनी वाइफ को या तो पत्नी पति को अच्छे से नहीं रख रहे, पत्नी पत्नी मतलब पति पत्नी की इज्जत नहीं करे, पत्नी पति का इज्जत नहीं करे, आप उनको हिदायत दो। मुझे लगता है आप अगर ये सब चीज़ों में हिदायत दोगे ना तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहेगी। ऐसे शायद मुझे लगता है उन लोगों को ज़रूरत भी है, ऐसे लोगों को देने की ज़रूरत नहीं जो अपनी लाइफ में खुश है। सिर्फ अलग धर्म में मैंने शादी के लिए ये मत देखो, ये देखो कि उसका हस्बैंड उसको कैसे रख रहा है। ये अगर पॉजिटिविटी से देखोगे ना तो आपको वो चीज़ समझ में आएगा। आज के टाइम पे लड़कियाँ कितनी अनसेफ है, मुझे लगता है शादी जैसी चीज़ जो होती है ना अब रिक्स हो गई है,
कि अगर हमें शादी कर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आज के टाइम पे लड़के भी सेफ नहीं है। मैं ये चीज़ भी बोलती हूँ कि अगर वो सामने वाले से शादी किया है तो क्या पता वो लड़की सही है कि नहीं, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर देगी। तो एक शादी जैसी चीज़ ना रिक्स हो गई, बहुत कम लोग हैं जिनकी लाइफ शादी के बाद अच्छी होती है। जीवन साथी निभाते सब है, शादी निभाते सब है, चाहे वो मजबूरी में हो, चाहे वो तकलीफ़ में निभाना हो, चाहे वो अपने बच्चे के लिए निभा रहे, चाहे वो पब्लिक के लिए निभा रहे, निभा रहे। एक निभाना ही शादी नहीं होता है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है। जो मेरे और मेरे हस्बैंड में है, ऊपर वर्क करे हमेशा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखेंगी। और आप जो ये गलत चीज़ें सोच रहे हो ना कि अरे इसने तो इधर शादी कर लिया, ये गलत है, ये चीज़ें अगर आप सोच रहे हो तो आप ख़राब, मैं ख़राब नहीं, ठीक है। मुझे हिदायत देने से अच्छा है कि आप उन इन चीज़ों उन लोगों को हिदायत दो, ठीक है। सबसे पहले जो जो शादी करा रहे हैं, उसी पे ये बहुत चल रहा है, बहुत मैंने देख लिया। मुझे नहीं मालूम था, रियल बता रही हूँ मैं जब सोशल मीडिया में आई तब मैं देख रही हूँ ऐसे ऐसे यूट्यूबर है जो सिर्फ हिंदू है, लेकिन बस दूसरी शादी करने के लिए उसने मुस्लिम धर्म अपनाया, बस टाइटल लगा लिया। क्या भाई, फिर तो वो पूजा पाठ ही कर रहा है ना, सिर्फ शादी करने के लिए उसने धर्म को अपनाया। मतलब हमारे धर्म में, मतलब ये दिखाया जा रहा है कि हमारे धर्म में दूसरी कर सकते हो आप, चाहे कैसे भी हो, हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, शादी कर लो दूसरी तीसरी। तो ये क्या अच्छी चीज़ है? मुझे नहीं लगती ये अच्छी चीज़ें, अच्छी ये मुस्लिम में ये अच्छी चीज़ें हो रही है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी चीज़ें हो रही है। आप उनको हिदायत दोगे ना तो बहुत अच्छी बात रहेगी, मुझे हिदायत देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड ऊपर वाले की दुआ से ऐसे ही मिले हैं ना, जो मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट करते, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, वो मुझे सपोर्ट करते। आज के टाइम पर रियल बता रही हूँ मैं कि बहुत कम है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, बहुत कम है जीवन साथी अच्छा मिलना। अगर आपकी लाइफ में जीवन साथी अच्छा नहीं मिला, चाहे आप कितना भी अमीर हो, चाहे आप कितने भी दिलवाले कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अपना जीवन जो स्टार्ट एक लड़का लड़की को होता है, वो शादी के बाद ही होता है। हम तो शादी से पहले तो हम अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की, उनको जिम्मेवारी, उनकी लाइफ तो स्टार्ट कब तब होती है, वो अपनी लाइफ स्टार्ट तब करते हैं जब उनकी शादी होती है। और जिसकी शादी सक्सेसफुल होती है, जो एक दूसरे को समझते हैं ना, वो लाइफ में हमेशा मरने तक भी, मतलब उनको ख़राब नहीं लगता कि मेरे मेरी ज़िंदगी में क्या हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। एक गरीब भी रहता है ना, उसकी जीवन साथी अच्छा मिल जाना, एक दूसरे का साथ मिल जाना, वो सबसे बड़ा दौलत होता है, ठीक है। बाल बच्चे तो बाद में, बाल बच्चे तो बाद में, आपको जिसके साथ जीना है, आपको जिसके साथ रहना है, वो अगर अच्छा नहीं रहा ना तो कुछ अच्छा नहीं रहा है। वो अच्छा रहा ना, और ऊपर वाले की दुआ से मैंने जिस इंसान से शादी किया ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ओके, मुझे मालूम है कि आप लोग को ये बात समझ में नहीं आएगी, आप लोग बस यहाँ पे कमेंट गंदा गंदा करने आ जाओगे। आप लोग बोलते हो कि क्या ही मैं बोलूँ, मुझे कुछ मतलब कि वो क्या बोलूँ मैं आपको, कि उस ईद वाले ब्लॉग में कुछ भी नहीं था, फिर भी आप लोग ने उखाड़ के उसमें एक कमेंट गंदा कर रहे हो। कुछ भी नहीं था यार, आप लोग को और खुशी होना चाहिए कि लड़का देखो कितनी सपोर्ट कर रहा है मेरी मुस्लिम बहन को। आप लोग को ये सोचना चाहिए, ठीक है, कि कितना दिलवाला है वो, कितना प्यारा इंसान है वो, ये सोचना चाहिए, ना कि गलत, ठीक है। पता है क्यों गलत है? क्योंकि आप नहीं कर सकते वो चीज़, आप में वो दम नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे बोल रहे हो ना, रायता फैला रहे हो, यहाँ रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये भी बता रही हूँ, मैंने जब अपने हस्बैंड को ये चीज़ बताया कि देखना ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मैं उसको जवाब दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड ना बोल के गए मुझे काम पे, खबरदार कोई कमेंट मत करो, जाने दो, छोड़ो, उनकी गंदी सोच है। लेकिन मुझसे वो नहीं हुआ कि नहीं, जो इस दुनिया में मेरे पापा ने, उसको भी लेके आप बोलोगे तो नो नो नो, मैं घुस के